हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपके लिए ले गए हैं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 25 के। काफी सारे मार्केट में स्मार्टफोन बैक टू बैक लॉन्च हो रहे हैं, नए नए स्मार्टफोन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं। 25,000 की रेंज में आपको काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। तो कौन सा आपके लिए बढ़िया होने वाला है, किसमें आपको कैमरा अच्छा मिलने वाला है, किसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, कौन सा फोन आपके लिए ऑलराउंडर रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। वीडियो में बस एंड तक बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर से जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हमारी लिस्ट के नंबर 5 की। नंबर 5 पे हमारी लिस्ट में आता है सैमसंग M55, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। डिस्प्ले वगैरह अच्छा मिलने वाला है इसमें, 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है। पहली बार सैमसंग ने 45W का चार्जिंग स्पोर्ट दिया है, बट इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, आपको अलग से यहाँ पे खर्चा करना होगा। इसके अलावा 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ मिलने वाला है, 8MP का अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है, 50MP की सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। कैमरा मुझे सैमसंग का इस बार अच्छा नहीं लगा, मतलब एवरेज से ही आपको फोटोज यहाँ पे क्लिक करके देगा। इसके अलावा अगर कैमरे के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आप सैमसंग A35 को चेकआउट कर सकते हैं, बट वहां पे सैमसंग का एक्सनोस प्रोसेसर देखने को मिलेगा और अदरवाइज आपको थोड़ा बजट बनाना होगा। आप सैमसंग S21 FE स्नैपड्रैगन 888 के साथ मिलने वाला है, उसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और उसको आप परचेज कर सकते हैं। थोड़ा बजट तो जरूर ज्यादा जाएगा, बट आपको कैमरा उसमें काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। वापिस आते हैं वीडियो पे। इसके अलावा इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 मिलने वाला है, पुराना प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया गया है। 5,85,000 के करीब स्कोर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल टास्क आराम से हैंडल कर लेगा, अच्छी खासी गेमिंग भी आप इसमें कर पाओगे। 4 ईयर का मेजर अपडेट और 5 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिलेगा, तो वो चीज सैमसंग की यहाँ पे बढ़िया होती है। अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए और ओवरऑल में कंप्लीट पैकेज चाहिए, कैमरा वगैरह भी ठीक चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है नंबर 4 पे। पोको काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है और सच में यकीन मानिएगा, पोको जैसा फोन दे रहा है, मतलब जैसे फीचर दे रहा है उसमें, कैमरा वगैरह परफॉर्मेंस तो एकदम जबरदस्त मिलने वाली है। इस प्राइस सेगमेंट में कोई और ब्रांड ऐसा नहीं कर सकता। मैंने देखा है 25,000 की रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है और इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है मीडियाटेक डेंसिटी 8300 अल्ट्रा देखने को मिलेगा और आपको 1.4 मिलियन के करीब यहां स्कोर देखने को मिलता है। अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए 25,000 की रेंज में, आपको 40,000 वाली यहाँ पे फील करा के देगा, डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले वगैरह भी अच्छा मिलने वाला है, 6.67 इंच का 1.5K वाला डिस्प्ले दिया गया, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। इसके अलावा कैमरे में यहाँ पे 64MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ मिलने वाला है और 8MP का अल्ट्रा वाइड आपको मिलने वाला है और इसके अलावा 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 और 3+4 ईयर का अपडेट भी यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरा मुझे यहाँ पे ठीक ठाक ही लगा, एवरेज आपको कैमरा देखने को मिलेगा, कैमरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। डिस्प्ले अच्छा चाहिए या फिर परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक और फोन है Redmi Note 13 Pro, वो भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, फीचर इसके सिमिलर से आपको देखने को मिलेंगे बट थोड़ा सा प्राइस इससे ज्यादा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमने रखा है Realme 12 Pro, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। कैमरे के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलेगा, 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड और 32MP का टेलीफोटो कैमरा यहाँ देखने को मिलता है। फोटोज काफी अच्छी खींचता है ये, नो डाउट। पोर्ट्रेट शॉट भी काफी कमाल के यहाँ पे क्लिक करता है। कैमरे के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले वगैरह भी अच्छा है, 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले यहाँ मिलने वाला है, कर्व्ड डिस्प्ले मिलने वाला है, काफी प्रीमियम लगता है। और इसके अलावा वैगन लेदर फिनिश भी आपको देखने को मिलेगी। 5000mAh का बैटरी, 67W फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे कैमरा अच्छा दिया है तो कुछ चीजें यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है, परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिलने वाला है, इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। वैसे नॉर्मल टास्क आराम से ये हैंडल कर लेता है और गेमिंग वगैरह भी आप इस प्रोसेसर के साथ कर पाएंगे, बट अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं, हैवी टास्क करते हैं, तो डेफिनेटली फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको देखना होगा। और जो काफी सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में, अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप उनको चेकआउट कीजिएगा।
कैमरे और डिस्प्ले के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है बेकार मिलने वाली है, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है नंबर टू पे। नंबर टू पे हमने हमारी लिस्ट पे रखा है आपको क्लीन यूआई चाहिए तो डेफिनेटली आप नथिंग फोन 2A को चेकआउट कर सकते हैं। एकदम ऑलराउंडर फोन है, सारे इसमें कैमरा डिस्प्ले परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त मिलने वाला है, सब कुछ काफी बैलेंस करके यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको एक मतलब कुछ नहीं सोचना, सब कुछ बैलेंस चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, बैटरी भी अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले यहाँ मिलने वाला है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिलेगा, 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बट सैमसंग की तरह इसके बॉक्स में भी आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अलग से खर्चा करना होगा। इसके अलावा MediaTek Dimensity 7200 Pro देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त मिलने वाली है, आप गेमिंग वगैरह भी इसमें आराम से कर सकते हैं, नॉर्मल टास्क तो इजीली हैंडल कर ही लेता है ये प्रोसेसर। इसके अलावा कैमरे में 50+50 का यहाँ पे कैमरा सेटअप मिलने वाला है, अल्ट्रा वाइड भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यहाँ देखने को मिलता है, ओवरऑल में कैमरा भी इसमें अच्छा मिलने वाला है, फोटोज भी काफी अच्छी क्लिक करता है। और परफॉर्मेंस में स्टार्टिंग में थोड़ा सा था बट अपडेट वगैरह से इसको फिक्स कर दिया गया, अभी आपको परफॉर्मेंस भी इसमें अच्छी देखने को मिलती है। एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो क्या था नंबर वन पे। अगेन OnePlus C3 लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, काफी अच्छा स्मार्टफोन था, कैमरा वगैरह भी अच्छा था, एकदम बैलेंस करके ऑलराउंडर फोन बनाया था। अगेन OnePlus बाजी मार गया यहाँ पे, OnePlus C4 को भी ऑलराउंडर बनाया है, सब कुछ इसमें बैलेंस करके डाला गया। एक 25,000 की रेंज में आपको सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है, डेफिनेटली आप आंख बंद करके इसको कंसीडर कर सकते हैं। 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है और काफी अच्छे से भी काम करता है, काफी सही ऑप्टिमाइज किया है, सारी ऐप जो है 120 हर्ट्ज पे काम करती है। और इसके अलावा कैमरा भी सोनी का यहाँ पे LYT 600 डाला गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी ये देखने को मिलेगा और 5500 mAh का बैटरी मिलने वाला है, 100 वोल्ट का चार्जिंग स्पोर्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा और चार्जर भी इसके बॉक्स में मिलने वाला है। इसके अलावा परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त मिलने वाली है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 यहाँ पे देखने को मिलेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 2+3 ईयर का अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक जरूर OnePlus ने बहुत बड़ी गलती की है, 3 ईयर का अपडेट तो आजकल सारे दे रहे हैं, यहाँ पे दे सकते थे। ओवरऑल में आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है नंबर 3 वाला फोन 2 पे या 2 वाला 1 पे तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बट ऐसा नहीं है, मैंने सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने आपको टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन बताए हैं, किसी में आपको कैमरा, किसी में आपको परफॉर्मेंस, कोई ऑलराउंडर चाहिए तो वो भी मैंने आपको बताया, तो आप डेफिनेटली इन 5 फोन में से कोई भी स्मार्टफोन को यहाँ कंसीडर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर से करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, काफी लोग आते हैं वीडियो अच्छा भी लगता है बट सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन लेवल मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कंपैरिजन वीडियो भी लेके आते रहेंगे। मैंने मेरे चैनल पे काफी सारी कंपैरिजन वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट करके उसको भी देख सकते हैं।